हाय दोस्तों, कैसे हैं? अभी जो अपडेट लेके आया हूँ वो टाटा मोटर्स पे है। टाटा मोटर्स में आपको देखने को मिलेगा अच्छी खासी वो ऊपर नीचे, अभी थोड़ा सा स्पाइक आया था और वो थोड़ा एक न्यूज़ था कि उन्होंने जॉब कट किया है, तो उसके चक्कर में आया था। मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ कि इसमें कोई आपको पोजिशन नहीं बनानी है। और देख रहे हैं अभी यहाँ वॉल्यूम 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 82 लाख, 1 करोड़ 60 लाख, आज वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ है। तो आप देखेंगे आज क्या इसने दिखाया कि लो हाई बनाया 176 का और लो बनाया 170 250 का, और लो में ये क्लोज दिया है, लो की ओर क्लोज दिया है। सेंटीमेंट आपको 61% बता रहा है, इसकी ओर आपको जाना नहीं है। यहाँ पे देखेंगे वेटेड एवरेज वॉल्यूम, तो ये क्या बता रहा है कि वेटेड एवरेज वॉल्यूम बोलता है इसी क्लोजिंग होनी चाहिए 174 36 पे, मैंने और क्लोजिंग हो रहा है 173 90 पे, मीन्स 50 से 60 पैसे का लोअर साइड पे क्लोज हो रहा है, मीन्स ये निगेटिव ट्रेंड है, निगेटिव साइड में जाके क्लोजिंग दिया है। और अगर मैं इसके किस बेसिस पे, ये अभी 1 2 दिन में जो न्यूज उठा था वो किस बेसिस पे इसको अपसाइड दिखाया था, तो एक न्यूज आया था सिंबल से मीडिया में कि कॉस्ट सेविंग आर बैडली नीडेड फॉर JLR विच इज स्ट्रगलिंग विद द प्लम्बिंग ऑटो सेल्स इन चाइना विच हैज हिट द JLR बिजनेस। इन्होंने ये कुछ मोटर स्टॉक वाज 5% इन यस्टरडे ऑन न्यूज ऑफ जगुआर JLR बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। जगुआर बिजनेस को रिस्ट्रक्चर प्लान कर रहे हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड टू लीड कॉस्ट $2.5 बिलियन का सेविंग होगा 18 महीने के अंदर। तो उसमें कॉस्ट सेविंग आर बैडली नीडेड फॉर द कंपनी विच इज स्ट्रगलिंग विद द प्लम्बिंग ऑटो सेल्स इन चाइना विच हैज हिट्स JLR। चाइना में इनका बिजनेस JLR में खराब कम हुआ है। एड टू द प्रोस्पेक्टस ऑफ वेरी मैसिव ब्रेक्जिट एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन डीजल व्हीकल्स। यूके एंड यूरोप में थोड़ा सा वहाँ पे क्या डीजल बिजनेस को, डीजल टाइप के कार को रिस्ट्रिक्शन मिला है यूके और यूरोप पे, तो वहाँ पे भी इनको प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे भी सेल नहीं कर पा रहे हैं। रिपोर्ट्स हैव आल्सो कम इन जॉब कट्स, जॉब कट्स के लिए आ रही है। वेरी प्रॉब्ली पार्ट ऑफ इट्स कॉस्ट कटिंग प्लान, कॉस्ट कटिंग प्लान आ रही है। व्हाइल द टर्नआउट प्लान इज वेलकम एंड टाटा मोटर्स डोमेस्टिक बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस को अपवार्ड की ओर देखने की कोशिश कर रहे हैं। देर इज नो नीड नो इंड इन द साइट्स फॉर इट्स JLR वोज। लेकिन अभी भी JLR में उस मैंने जितने भी कमी नहीं हो रही, मतलब किसी तरह के संभावना से कमी नहीं कर रहे हैं, बार बार कोई ना कोई नया चीज़ प्रॉब्लम इनको देखने को फेस हो रहा है। तो एक बात बताइए, जो 18 महीने में कॉस्ट कटिंग आएगा, अढ़ाई और जो बिलियन का उनको सेविंग बता रहे हैं वो आज तो आने वाला नहीं है। अढ़ाई 2.5 बिलियन डॉलर का जो सेविंग है, 18 महीने की प्लानिंग है ये। जॉब कट करेंगे, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, तो आज का शेयर में तो कुछ होने वाला नहीं। दूसरा, कहीं इसमें ये पॉजिटिव नहीं बताया गया कि जैसे यूके यूरोप में इनको डीजल पे बैन लगाया गया है, JLR बिजनेस इनका चाइना में नहीं चल रहा है, ये सब कुछ भी देख करके कहीं भी पॉजिटिविटी नहीं है। और मेरे अंदाज से इस पर भी आपको बाइंग पोजीशन नहीं रखनी चाहिए। आज एक चीज़ आप देखिए, जब ऑटो, ये ऑटो देखिएगा आप 103 पॉइंट से चेंज हुआ है। ये ऑटो इंडस्ट्री पूरी आज बूम में थी, 1.1% का प्लस दिया था, तो उसमें चार शेयर जो सबसे ज़्यादा नहीं चले वो मदरसन सुमी थी, टाटा मोटर DBR और टाटा मोटर और बॉस्क। तो टाटा मोटर DBR एक ही है, तो तीन ही आप बोल सकते हैं, मदरसन सुमी, टाटा मोटर और बॉस्क, यही तीन थे जो नहीं चले। बाकी आप MR आप देख लीजिए, चाहे मारुति देख लीजिए, महिंद्रा देख लीजिए, एक्साइट देख लीजिए, अशोक लेलैंड, सब ने धूम मचाया मार्केट में, अपोलो, एक्साइट, आइसर, तो सबों ने अच्छा काम किया, क्यों यही लोग काम नहीं किए? तो ट्रेडर जो इसमें आज समझ रहे थे कि मार्केट बूम साइड में है, तो हम ऐसे शेयर में कहाँ क्यों फंसे जिस पे कोई भी ट्रेडिंग करेगा नहीं। और मैंने आपको ऑलरेडी इस पे चार्ट पे बताया था कि इसका जो सेकेंड सपोर्ट लेवल है जो वो क्रॉस नहीं करेगा, 188 का जो लेवल है वो उसको क्रॉस करेगा नहीं। तो वो अभी जो आ रहा है इसका 50 डेज का टाइम है, 186 आ रहा है, तो ये क्रॉस करना है नहीं इसको, 186 पे सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है इसको। तो जब वो क्रॉस करना नहीं है इसको, तो ट्रेडर सोचे इसमें पैसा लगा के अभी कोई फ़ायदा नहीं है, तो बाहर ही निकलने में उनको फ़ायदा दिखा और ये एग्जिट हो रहा है। मैं आपको वापस बोलता हूँ, अपर में कोई भी आपको ट्रेंड नहीं बनानी है। और अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आप अगर जा करके देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि इनको लग रहा है कि 180 के कॉल पे रेसिस्टेंस 56 लाख का, मैंने 180 तो अब ये क्लोज ऊपर जो एज पर चार्ट दिख रहा है कि 180 पे आज भी एडिशन हुआ 3,82,000 का और 56 लाख का शेयर ऐड हुआ है। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे कोई पैसा बना नहीं पा रहा टाटा मोटर्स पे, यहाँ पे कॉल साइड भी राइटिंग हुआ है, पुट साइडिंग में आपको निगेटिव आ रहा है, तो दोनों साइड में कोई पैसा बना नहीं पा रहा है। तो इस पर कोई भी पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करें, आप फंसेंगे इसमें। और अब देखेंगे तो 180 पे सबसे ज़्यादा 56 लाख शेयर है जो कि क्रॉस नहीं करने वाला है 180 ये। और नीचे की ओर 150 पे आप देखेंगे इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है 14 लाख, तो 150 to 180 के रेंज में टाटा मोटर्स आपको देखने को मिल सकता है इस महीने के क्लोजिंग तक, एंड तक। तो 150 to 180 रेंज यहाँ से दिखता है।
मेरा अभी भी है, इस पर फ्रेश बाइंग नहीं करें, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, सेल करके फ्यूचर में इसको खड़ा रह सकते हैं, पुट ऑप्शन में इसको बनाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अब इस महीने का डेज ज़्यादा नहीं बचा, वहाँ पे आपको बहुत फायदा नहीं देखने को मिलेगा। फिर भी अगर किसी को है तो करंट मार्केट में इसका जो एट द मनी देखे तो 173 है, तो 175 का पुट पे आप देख सकते हैं जो कि 4.35 रुपये पे आपको दिख रहा है, 1500 का लॉट होता है, 6000 का इन्वेस्टमेंट है, तो आप ये 175 का पुट देख सकते हैं। लेकिन इसमें डेज जाएगा तो इसकी वैल्यू गिरती है, अगर ये घूमते घूमते पूरा महीना इधर निकाल दिया तो आपको लॉस होगा। तो वापस मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, इस पर कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें। और एक ये निगेटिव ट्रेंड है और मैं जो भी सजेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से कर रहा हूँ। तो टाटा मोटर्स में अभी भी मैं निगेटिव ही हूँ, मैं अपने कोई पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हूँ। कॉस्ट कटिंग करने से और 18 महीने के बाद गेन आने से कोई जगुआर का बिजनेस सुधरने वाला नहीं है, उसकी सेल्स ग्रोथ नहीं बढ़ने वाली है, कोई ऐसा रिस्ट्रक्चरिंग आज के आज नहीं होने वाला है। आज आप देख लेंगे जो ऑटो इंडस्ट्री ने दिखाया आपको, जब ऑटो इंडस्ट्री में बूम था तो ट्रेडर वो यहाँ से एग्जिट होकर के ट्रेडर दूसरे जगह अपने पैसे को बनाने की कोशिश कर रहा था। तो ये ट्रेडर गेम है। और डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो 15 से 16% है। अगर ऐसे शेयर जो इतना पिटा हुआ और सिर्फ 15% की डिलीवरी हो तो ये एक अच्छी स्क्रिप्ट तो नहीं है। और अगर ये मुझे लगता है कि 150 के अराउंड 160 के अराउंड मिलेगा तो मैं इसमें इस साइड लेवल पे बाय करने की कोशिश नहीं करूँगा। फिर भी ये मेरा ओपिनियन है, सबका ओपिनियन अलग हो सकता है। तो टाटा मोटर्स पे आज भी अभी भी मैं नेगेटिव हूँ और इस पर कोई भी पोजीशन बनाने की सलाह नहीं देता हूँ। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करेंगे। और ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ से है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।